अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रूही का इलाज किसी डॉक्टर की दवाई से नहीं, उसका इलाज देसी तरीके से होगा। ये सब क्या है दादी? नीम के पत्ते हैं बेटा, रूही को कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उसे माता निकली है। अरे इसमें डॉक्टर का कोई काम नहीं है बेटा, हम माता की पूजा करके ये पत्ते ना उसके कमरे में बिछा देंगे। क्या बोल रही हैं? रूही ठीक हो जाएगी। दादी डॉक्टर आ रहे हैं ना, एक बार चेक तो करने दीजिए, उनको कंफर्म तो करने दीजिए कि चिकन पॉक्स है भी या नहीं, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। नाहर बेटा, हर चीज के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है। कई बार तजुर्बे से भी पता चल जाती है कि बीमारी क्या है, वो चिकन पॉक्स ही है। सुनो तुम माँ जी को उनका इलाज करने दो। हाँ नहीं छोटी माँ, डॉक्टर को आने दीजिए, उन्हें कंफर्म करने दीजिए चिकन पॉक्स है या नहीं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, बात खत्म। नहार कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं आएगा, माता की पूजा होगी, बात खत्म। माता की पूजा करने से कैसे वो ठीक हो जाएगी? अरे ये परसों से चला आ रहा है, यही प्रथा है, ऐसे ही होता है। अंधविश्वास है दादी ये सब। अरे नहार दादी आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? नहार तुम डॉक्टर को बुलवा के दिखवा दो और दादी आप अपने मन की तसल्ली के लिए पूजा करवा लीजिए। अग्नि बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे अगर डॉक्टर ने रूही का चेकअप करने के बाद बता दिया कि रूही को चिकन पॉक्स नहीं हुआ है तो क्या होगा पता है? कुछ नहीं कहेगा डॉक्टर, रूही का दांत देख के वो भी कंफ्यूज हो जाएगा और कोई ना कोई बीमारी का तो टेस्ट कराने को बोले गए डॉक्टर। डॉक्टर भी रूही को हमसे एक हफ्ते दूर ही रखेगा क्योंकि सारे टेस्ट होने में उतना टाइम तो लग ही जाएगा और जब तक रिपोर्ट आएगी तब तक तो एक हफ्ता निकल ही जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर भी रूही को हमसे एक हफ्ते दूर ही रखेगा। सिमर सुन, वो डॉक्टर का फोन नहीं लग रहा है, मैं खुद उन्हें बुलाने जा रहा हूँ, तुम थोड़े यहाँ देख लेना, यू नो दादी। हाँ ठीक है भैया, आप ध्यान से चाहिए। वापस अभी तक आए क्यों नहीं? पता नहीं नीचे क्या हो रहा होगा। जो भी एलर्जी या बीमारी हुई है या फिर जो भी इन्फेक्शन हुआ है प्लीज उसे ठीक कर दीजिए। प्लीज एक माँ को उसके बच्चे से दूर मत रखिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मुझे ये एलर्जी कब और से हुआ। आने से पहले तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी, फिर आने के बाद मुझे अचानक से क्या हो गया? टॉवल में तो ऐसा कुछ नहीं था जिससे मुझे एलर्जी हो गई, और मैंने तो टॉवल नहीं ली थी। खैर जो भी हो माता रानी, बस ये इन्फेक्शन ये एलर्जी जो भी है जल्दी से ठीक हो जाए प्लीज। प्लीज माता रानी।
अवनी बेटा एक काम कर, ये नीम का पत्ता ले जाकर रूही को दे दे, कहना अपने कमरे में बिछा ले, और ये लोवान का धुआं पूरे घर में घुमाकर रूही को दे देना। जी माँ, अभी आई। ना यहाँ नहार है ना ही रूही, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे। भाभी, मैं आपके कमरे के बाहर नीम के पत्ते और लोबान रख दी हूँ, आप नीम के पत्ते अपने पलंग पे बिछा लेना और लोबान का धुआं अपने कमरे में दिखा देना। हाँ दीदी, ठीक है। जी भाभी, मैं चलती हूँ। जय माता दी, जय माता दी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। बेबी, बेबी बहुत जल्द ये कमरा, इस कमरे की हर एक चीज पर हमारा हक होगा। उसके बाद आप, मैं और आपके पापा, और यहाँ ना मैं आपके छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से खिलौने रखूंगी, और वहाँ यहाँ ना यहाँ आपके पापा के साथ ना आपके भी कपड़े रखूंगी, और वहाँ यहाँ आपके छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से जूते रखूंगी। मेरा बच्चा। जब तक रूही उस कमरे में बंद है, मुझे जल्द से जल्द नहार के करीब आना होगा। एक बार अगर मैं नहार के करीब आ गई ना, तो फिर इस कमरे में जगह बनाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। इन नीम के पत्तों में मम्मी जी और दादी जी का विश्वास और माता रानी का आशीर्वाद है। हे माता रानी, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। ये दादी भी ना पता नहीं कौन कौन से पूजा करवाती रहती है, इतनी घुटन से हो रही है मुझे। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।